हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन बच्चों के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करने जा रहे हैं जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, मार्च में होने वाला है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। और विशेष तौर पे यह वीडियो इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि जो सिचुएशन रही इसमें बच्चे उस ढंग से पढ़ नहीं पाए, नहीं स्कूल उस ढंग से पढ़ा पाया क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं रही, स्कूल बंद चल रहा है। ऐसे में आप कैसे पढ़ाई करके एक अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं, इस सिलसिले में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और बस एक निवेदन यह है कि वीडियो अंत तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। जैसा कि बोर्ड का पेपर आने वाला है और पढ़ाई किस ढंग से हुई अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसी पढ़ाई से ही हमें बेहतर मार्क्स लाना है। बेहतर मार्क्स कैसे लाया जा सकता है, इसका एक छोटी सी ट्रिक आपको बताते हैं हम। और वो ट्रिक है रिवीजन मेथड। रिवीजन किस ढंग से होना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे। आप लोगों को जो रिवीजन करना, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको पहले अच्छे से आप समझ लीजिए। अच्छे से समझे कैसे, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम जो चैप्टर, जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है उसका समर साइज करिए, उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करिए और अपने मन से लिखने की कोशिश करिए। घर पर आते हैं उसे समर साइज करके अपने मन से लिखिए और अपने मन से लिखने के बाद चेक करिए कि जो भी पढ़ाया गया है उसका पूरा इवोल्यूशन इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका पूरा सारांश, उसका मतलब, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सेकेंड थिंग, उस चैप्टर में जो भी हाईलाइटेड थिंग है, जो भी पॉइंट है उसको अच्छे से समझिए। उसको आप अच्छे से समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस मुताबिक अच्छी व्याख्या कर लेंगे और अच्छी व्याख्या करेंगे तो नंबर तो मिलना ही मिलना है। सेकंड से आगे एक थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि आपका रिवीजन मेंटेन कैसे रहेगा, आप अपने रिवीजन को मेंटेन कैसे रखेंगे, जो भी रिवाइज किया उसे मेंटेन कैसे करेंगे। इसके लिए बस एक छोटा सा अपने दिलो दिमाग में एक बात बैठानी है कि जो भी नॉन वर्किंग डेज हैं, लाइक संडे, हॉलीडे, अदर जो भी नॉन वर्किंग डेज है, उसमें जितना भी आप रिवाइज किए हैं उसको आप दोहरा लीजिए। जितना भी रिवाइज किए हैं उसको दोहराते जाइए और उसका एक नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपका एक अलग सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट होगा जो कि आपके लिए हर समय बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहे 10th में पढ़िए, चाहे 12th में पढ़िए, चाहे 11th में पढ़िए, जितना भी जो भी नोट्स है आने वाले कंपटीशन में आपकी हेल्प करेगा। यह नोट्स अगर आप अभी से प्रिपेयर कर लेते हैं तो शायद प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे सिविल का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे UPSC का हो, PCS का, कुछ भी एग्ज़ाम का आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, नहीं आपको चुनने में वो समय लगेगा कि उन्हें हम प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ जाएं। जितना भी जो भी एग्ज़ाम में, जो भी कंपटीशन में जितना भी आता है सब आपके क्लास के नीचे लेवल का आता है। अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है तो 12th तक ही आएगा। आज के डेट में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत लेंथी होते हैं तो उनको याद करना मुश्किल होता है, जैसे कि SST हुआ, सोशल साइंस जिसे कहते हैं, सोशल साइंस हुआ, साइंस हुआ, तो ये सब जितने हैं उसको समझने की ज़रूरत है। जितना भी बुक में डिस्क्राइब है उसे आप अच्छे से समझ लीजिए और समझने के बाद उसका निचोड़ निकाल लीजिए, उसका सारांश निकाल लीजिए, कहना क्या चाह रहा है। और जब उसे आप समझ जाएंगे तो शायद लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, याद करने वाली जो चीज़ है सिर्फ आप क्या है, पॉइंट, जो उसमें हेडिंग्स हैं, जो पॉइंट हैं, जो सेशंस हैं, जो नेम्स हैं, वही केवल याद करना है। उतना याद कर लेंगे तो शायद आपका कहीं मार्क कटने वाला नहीं है। और
डिस्क्रिप्टिव आंसर इस बार लिखे जाएंगे बोर्ड के पेपर में, सीबीएसई में, टेंथ एंड ट्वेल्थ में। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको पॉइंट को डिटेल में कन्वर्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, और ऐसी क्षमता तभी डेवलप होगी जब उस पॉइंट को आप अपने मन से एक्सप्लेन करेंगे। जब आप अपने मन से एक्सप्लेन कर लेंगे तो शायद उतनी दिक्कत नहीं होगी। हम मैथ्स पर बात करते हैं। मैथ्स में पता है, मैथ्स में एक छोटा सा अगर डेसिमल छूट जाता है तो पूरा नंबर कट जाता है। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको हर एक स्टेप ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे ध्यान देना होगा और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जो सवाल तुम्हें जितना डिफिकल्ट लगे उसकी प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपका इजी होगा, और इजी तभी होगा जब आप बिजी होंगे, और बिजी आप तभी होंगे जब आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा, सब कुछ संभव होगा। तो हर एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल प्रिपेयर करिए और उस टाइम टेबल को अपनी सुविधा अनुसार बनाइए। और ध्यान रहे जो लाइट सब्जेक्ट है, जिस पर आपकी कमांड है, उस पर भले ही थोड़ा 10 मिनट कम समय दीजिए, लेकिन जिसे हार्ड समझते हैं, लेंथी सब्जेक्ट है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। और मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें उस समय उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही है, चाहे जो हो जाए। खाना आधा घंटा देरी से खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है ऑन टाइम पढ़ना ही होगा। और जब आप पढ़ेंगे तो फिर भला कौन मार्क ले आने से रोक पाएगा। जैसा सिंपल सी बात कहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इवन दोहा में कहा गया कि करत करत अभ्यास ते जड़मत ही होत सुजान। जड़मत भी एक जड़मत, जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसकी बुद्धि जीरो है, वह भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। जिस प्रकार से रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, जिसे रस्सी आने जाए पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, चिन्ह छूट जाता है। तो आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे, बार बार एक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, तो भला क्यों नहीं आएगा। इसलिए इसको आप पढ़िए, रिवीजन करिए, और रिवीजन का डेट वाइज अपना एक नोट बनाते जाइए और उसको मूल्यांकन करते जाइए कि कितना सही रहा है, कितना गलत रहा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपका मार्क स्कोरिंग होना ही होगा। और एक बात ध्यान रखिए, टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल ऐसा जगह बनाइए जहाँ पर आपका एकदम शांत एटमॉस्फेयर रहे, और अपना स्टडी रूम भी वहीं करिए। मानते हैं अगर नहीं स्टडी रूम है, छोटा सा घर है, तो कोई बात नहीं, आप एक कुर्सी, एक मेज लगा लीजिए, सामने टाइम टेबल लगा लीजिए और उस मुताबिक पढ़ते रहिए। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बेहतर मार्क्स ले आएंगे। और इसी के साथ पुनः एक बार कहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।